जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की बड़ी राजनीतिक पहल, लेनेसी डोवाल ने पाकिस्तान को छोड़कर सभी एशियाई देशों से की बात। डोवाल ने एशियाई देशों को जम्मू कश्मीर के हालात की दी जानकारी, प्रतिबंध और नजरबंदी पर स्थानीय प्रशासन के सुझाव का दिया हवाला। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का बयान, जम्मू कश्मीर में जल्द सामान्य हो जाएंगे हालात, अधिकतर कश्मीरी अनुच्छेद 370 हटने से हैं खुश। एनएसए डोवाल बोले, अनुच्छेद 370 हटने सिर्फ उपद्रवी ना खुश है। डोवाल ने जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्से में प्रतिबंध हटने का दिया हवाला। महबूबा उमर अब्दुल्ला समेत कई कश्मीरी नेताओं की नजरबंदी पर बोले डोवाल, जम्मू कश्मीर में एहतियात के तौर पर नेताओं को हिरासत में रखा गया ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। डोवाल ने कहा, अगर कश्मीर में लोग एक जगह एकत्रित होंगे तो आतंकी हालात का फायदा उठा सकते हैं। अजीत डोवाल ने 230 आतंकियों की पहचान का दिया हवाला, बोले इनमें से कुछ पकड़े भी गए। सोपोर में आतंकी हमले में चार स्थानीय नागरिकों को लगी गोली, एक मासूम बच्चे भी गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए लाई जाएगी दिल्ली। अपनी नापाक कोशिशों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फिर तोड़ा सीज फायर, कृष्णा घाटी इलाके में किया अंधाधुंध गोलीबारी, भारतीय सुरक्षा बल ने दिया करारा जवाब। चेन्नई में पासिंग आउट परेड का दिखा शानदार नजारा, नए रंग रूटों में लड़कियों की भी अच्छी खासी तादाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान शुक्रवार को पहुंचे एलओसी पर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने किया उनका स्वागत। टीम इमरान खान के साथ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी थे मौजूद, सुरक्षा बलों खुद इमरान भी सुदूर की पहाड़ियां दिखाकर कुछ पूछते नजर आए। बाद में इमरान खान ने स्थानीय निवासियों से की बात और जवानों को माइक पर संबोधित किया। इमरान खान किस रास्ते से और कब एलओसी पहुंचे पाकिस्तान ने इसे गुप्त रखा, लेकिन कयास है कि कचोटी बॉर्डर से इमरान खान एलओसी तक पहुंचे थे। पाकिस्तान का खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हाल, भारत की मांग ठुकराई, राष्ट्रपति से के दौरे के मद्देनजर पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की नहीं दी मंजूरी। बेंगलुरु से मुंबई पहुंचे पीएम मोदी, दहीसर पूर्व के लिए बने मेट्रो कोच का किया उद्घाटन, मेक इन इंडिया के तहत हुआ है कोच का निर्माण। मेक इन इंडिया के मेट्रो कोच में टहलते हुए पीएम मोदी ने अधिकारियों से ली जानकारी। पीएम मोदी आज तीन मेट्रो लाइनों की उन्होंने रखी आधारशिला, 19,000 करोड़ आएगी लागत। कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने विले पार्ले में की गणपति पूजा, हाथ जोड़कर विघ्नहर्ता का लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने मराठी में गणपति महोत्सव के लिए शुभकामनाएं, गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगवाया। मुंबई में भी पीएम मोदी के दिलो दिमाग पर छाया रहा चंद्रयान 2 का सफर, कहा चांद पर पहुंचने का सपना जरूर होगा पूरा। चांद पर पहुंचने का सपना पूरा होकर के रहेगा। मुंबई से औरंगाबाद पहुंचे पीएम मोदी, औद्योगिक क्षेत्र का किया उद्घाटन। फडणवीस सरकार, मंत्री पंकज मुंडे ने पीएम मोदी को हथकरघा से बनाया गया चित्र भेंट किया। एएमएम सांसद ने इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद में पीएम को काला झंडा दिखाने की धमकी दी, कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने से है खफा। बीजेपी से गठबंधन पर बोले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, ये होगा पीएम मोदी और अमित शाह से हो रही है इस पर बात। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के उद्धव को छोटा भाई बताने पर बोले उद्धव, वो मुझसे बड़े हैं तो छोटा भाई कहने में हर्ज किया। बीजेपी से गठबंधन पर नागौर लोकसभा सीट से चुनाव जीते वाले सांसद हनुमा बेनीवाल के बिगड़े बोल, वसुंधरा राजे को नागिन और सीएम अशोक गहलोत को बताया सपेरा। सांसद बेनीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वसुंधरा को जेल भिजवाने की भी दी धमकी। चंद्रयान 2 नहीं अर्जित कर सका अपनी पूर्ण सफलता, इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम से टूटा संपर्क, इसरो मुख्यालय से पीएम मोदी के विदा लेते वक्त पीएम और इसरो चीफ हुए भावुक। पीएम मोदी के मुख्यालय से बाहर आते वक्त इसरो चीफ के सिवन की आंखों से छलक उठे आंसू, पीएम मोदी ने लगाया गले, तबकी देकर बढ़ाया हौसला।
लैंडिंग से महज 2.1 किलोमीटर से पहले लैंडर विक्रम से टूटा संपर्क, इससे पहले सब कुछ ठीक था। लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने की वजह तलाशने में जुटा इसरो, अब तक आंकड़ों का हो रहा अध्ययन। चांद की कक्षा में मौजूद ऑर्बिटर एक साल तक लगातार रहेगा चक्कर, देता रहेगा जानकारी। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों का बढ़ाया हौसला, पत्थर पर लकीर खींचने वाला बताया। आपकी उड़ान आउट ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं। विज्ञान कभी परिणाम से संतुष्ट नहीं होता, प्रयास विज्ञान की मूल भावना में निहित है, मैं खुद आपसे प्रेरणा लेने आया हूं। दरअसल मैं आपको उपदेश देने नहीं आया, मैंने सुबह सुबह आपके दर्शन, आपसे प्रेरणा पाने के लिए किए। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान की सफलता भले ही हमारे आशा के अनुरूप नहीं रही, लेकिन हमें याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है। पीएम मोदी ने कहा, इसरो के वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है पूरा देश, हमें है भरोसा वैज्ञानिकों के पुरुषार्थ से देश फिर मनाएगा खुशी। पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, ये आप ही लोग हैं जिन्होंने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचकर देश का नाम रोशन किया। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों के हौसला अफजाई करते हुए कहा, आप ही लोगों ने दुनिया को पहली बार चांद पर पानी होने के संकेत दिए। पीएम मोदी ने कहा, विज्ञान और साहित्य की भाषा अलग है, भविष्य में साहित्यकार और कवि अगर इस घटना का वर्णन करेंगे तो यही कहेंगे चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा था। चंद्रयान 2 के लिए आखिरी के 15 मिनट बेहद अहम थे, 13 मिनट तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आखिरी के 90 सेकेंड में लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। इसरो चीफ के सिवन ने आकर पीएम मोदी के लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने की जानकारी दी, अचानक इसरो मुख्यालय में छा गई माउस। इसरो मुख्यालय में अधूरी सफलता से भावुक दिखे तमाम वैज्ञानिक, कुछ के झुक गए चेहरे। चंद्रयान 2 की सफलता का गवाह बनने के लिए इसरो मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ मौजूद 74 छात्र, वो दिखे निराश। इसरो में मौजूद रहने वाले सभी छात्रों का ऑनलाइन क्विज के जरिए किया गया था चयन, भविष्य के वैज्ञानिकों को निराश देखकर पीएम मोदी ने संभाला मोर्चा, बढ़ाया हौसला। लक्ष्य बहुत बड़ा रखना है, छोटे 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 हिस्से में इसको बांटना चाहिए और जो पाया है उसको जोड़ते जाना चाहिए। कल इसरो मुख्यालय पहुंचकर पीएम मोदी ने थपथपाई थी इसरो चीफ के सिवन की पीठ, वैज्ञानिकों का लगातार बढ़ाते रहे हौसला। जैसे जैसे चंद्रमा की सतह के करीब पहुंच रहा था लैंडर विक्रम, इसरो मुख्यालय में हर सूचना पर हो रही थी हौसला अफजाई। पीएम मोदी, वैज्ञानिकों और बच्चे सभी तालियां बजाकर बढ़ा रहे थे वैज्ञानिकों का हौसला। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब लैंडर विक्रम चांद से करीब 4 किलोमीटर दूर था। लेकिन चांद से 2.1 किलोमीटर पहले ही लैंडर विक्रम का टूटा संपर्क, वैज्ञानिकों में छाई निराशा। कुछ देर बाद आकर इसरो चीफ ने पीएम मोदी को दी जानकारी। इसरो के वैज्ञानिकों की देश और विदेश में हो रही सराहना, भूटान के पीएम ने किया ट्वीट, भारत और भारत के वैज्ञानिकों पर है गर्व, सफलता के बेहद करीब आई कठिन चुनौती लेकिन साहस रहा सराहनीय। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, इसरो की मेहनत पर हर भारतीय को गर्व, वैज्ञानिकों से मिलती है प्रेरणा। राहुल गांधी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देकर बढ़ाया हौसला, कहा वैज्ञानिकों से हर देशवासी को मिलती है प्रेरणा, इसरो की मेहनत बेकार नहीं गई। मायावती ने इसरो का हौसला बढ़ाते हुए किया ट्वीट, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। बीजेपी सांसद सनी देओल ने किया ट्वीट, संपर्क टूटा लेकिन हौसला नहीं, इसरो पर हमें गर्व है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इसरो के वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम को सराहा।
लता मंगेशकर ने किया ट्वीट, केवल संपर्क टूटा है, संकल्प नहीं, हौसले अभी बुलंद है, मुझे विश्वास है कि सफलता अवश्य मिलेगी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बढ़ाया इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला, कहा वैज्ञानिकों पर है गर्व। चंद्रयान 2 मिशन को पूर्ण सफलता नहीं मिलने पर भावुक उठे यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा। लखनऊ पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सीएम योगी के साथ की बैठक। राजस्थान में निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह का अनोखा ज्ञान, दिया विवादित बयान, कहा शराब का नशा बुरा, अफीम अच्छी थी, इससे हादसे नहीं होते थे। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जन्मदिन आज, तारकेश्वरनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी ने टैक्स चोरों पर कसा शिकंजा, करोड़ों का टैक्स चोरी करने वाले मोटल और रिजॉर्ट पर की बड़ी कार्रवाई। एमसीडी ने हाईवे के करीब बने 6 मोटल और रिजॉर्ट की प्रॉपर्टी अटैच कर गेट को किया सील, बकाया करीब 5 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जारी की एडवाइजरी, छात्रों को अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण का दिया निर्देश। झारखंड में साड़ी खरीदने के लिए निकाले गए टेंडर की चर्चा, 30 करोड़ की लागत वाली योजना के लिए श्रम विभाग को 1000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी चाहिए। साड़ी खरीद वाले टेंडर में सीबीसी नियमों की हुई अनदेखी, झारखंड के श्रम मंत्री ने विभाग से तलब किया जवाब। छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों के आरोपी गोवा के स्विमिंग कोच सुरजीत गांगुली गिरफ्तार, दिल्ली के कश्मीरी गेट से गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया। पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मय आनंद पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए शाजापुर पहुंची एसआईटी टीम, चिन्मय आनंद पर छात्रा के उत्पीड़न और अगवा करने का लगा था आरोप। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने चिदम्बरम की जेल के बहाने हुड्डा पर ली चुटकी, कहा कांग्रेस नेता अब बिना एसी के रहने की डालें आदत, हुड्डा भी कर रहे होंगे इसका अभ्यास। दिल्ली के ओखला इलाके में भीड़ तंत्र की हिंसा का शिकार हुई 2 महिलाएं, बच्चा चोर समझकर लोगों ने पीटा, पुलिस ने बचाई जान। झारखंड के रामगढ़ में जंगल से भटका हाथी का बच्चा गांव में पहुंचा, तमाशबीनों की जुटी भीड़। दिल्ली समेत एनसीआर में आज भी जोरदार बारिश, मौसम हुआ सुहाना। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की आफत, मेमसा और टिमटिया गांव में मलबे से बड़ी मुसीबत। रुद्रप्रयाग में अचानक बढ़ा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर, विस्फोट लंबी शिव की मूर्ति एक बार फिर हुई जलवा। दिल्ली के चावला इलाके में बाइक सवार झपटमारों ने महिला के गले से छीनी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तो बाइक सवारों ने बच्चे के साथ आ रही महिला को बनाया निशाना, चेन छीनकर हुए फरार। नासिक के डिफेंस इलाके में बनी इमारत में लगी भीषण आग, हुआ भारी नुकसान। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक गारमेंट शोरूम में महिला पत्रकार ने सीसीटीवी कैमरे लगे होने का आरोप लगाया, शोरूम की सफाई गलती से चेकिंग रूम की जगह स्टोर रूम में पहुंच गई। हापुर में एक महिला को ग्राम प्रधान और उसके भाई ने पीटा, महिला ने विकास कार्यों में घोटाले का उठाया था मुद्दा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।